रणबीर कपूर कहता है कि मीम खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे दो बक्से को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा। बजरंग रणबीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं, उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गो माता को लेकर, गो माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हम जब विरोध करना है तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम बॉलीवुड का आखिरी दांव है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिट होगी या फ्लॉप, फिल्म को लेकर पहला रिव्यू आया सामने। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जिस फिल्म का इंतजार लोगों को था, वो बस रिलीज होने वाली है। इस फिल्म से मेकर्स ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है, जिसे इंडस्ट्री के ही एक नामी व्यक्ति ने किया है, जिनके मुताबिक फिल्म ब्रह्मास्त्र दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरने वाली है। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओवरसीज सेंसर बोर्ड मेंबर उमेर संधू की, जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर रूम में देखा है। इसके बाद वो फिल्म को लेकर अपनी राय सामने रखने से खुद को नहीं रोक सके। उमेर संधू ने इस फिल्म का रिव्यू करते हुए इसे कुल 2.5 स्टार दिए हैं। ब्रह्मास्त्र को देखने के बाद अपनी राय सोशल मीडिया पर रखते हुए उमेर संधू ने लिखा, रणबीर कपूर फिल्म में बहुत कंफ्यूज लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आलिया भट्ट फिल्म में शानदार लगी हैं, वाह। मौनी रॉय बहुत खराब लग रही हैं, उनकी बहुत लाउड एक्टिंग है। अमिताभ बच्चन पूरी गरिमा में है, सिर्फ दुख इस बात का है कि उन्हें कम फुटेज मिली है। इसके आगे उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि फैंटेसी एडवेंचर फिल्में बॉलीवुड में कम ही होती हैं। आप अयान मुखर्जी को साहसी होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो एक ऐसे जॉनर में गए जो सपने दिखाने वालों ने छुआ भी नहीं था, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और कहानी बिल्कुल औसत है और कभी कभी बहुत खराब। उमेर संधू ने लिखा कि अक्सर जो चमकता है वो सोना नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि उमेर संधू करीब करीब हर फिल्म का ही रिव्यू रिलीज से पहले कर देते हैं। इसके साथ वो करीब करीब हर फिल्म की तारीफ करते दिखते हैं। उमेर संधू लाल सिंह चड्ढा, जीरो और रेस 3 को भी शानदार बता चुके थे। हालांकि इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर इनके प्रोडक्शन के उलट ही कारोबार किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बॉलीवुड का ये आखिरी दांव ब्रह्मास्त्र दर्शकों को लुभा पाता है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा है, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की तरह ब्रह्मास्त्र भी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटने वाली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।